कोई भी वेलकम नहीं, ना कोई इंट्रो। आज सीधे जो बात होगी वो मुद्दे की बात होगी। अगर जो भी यहाँ भक्त है, यानी हमारे कहने का मतलब जो भी अंध भक्त है, वो हमारे वीडियो को डिसलाइक करके निकल सकता है, और जो भी भक्त है वो हमारे वीडियो को लाइक करे और वीडियो को पूरा देखे, और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखे। हमारी एक ही लड़ाई है, युवा बेरोजगार क्यों? आज जो भी युवा बेरोजगार है उसका आखिर मुद्दा क्या है, क्यों युवा बेरोजगार है? तो सबसे पहले अगर आप इंसान की भक्ति करते हैं तो आपको तो यही हर जाना भुगतना पड़ेगा। अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं तो आपकी भक्ति में फल की प्राप्ति होती है। मैं अपने इस सरकार को और आपकी सरकार को बताना चाहता हूं कि आज ये भी सरकार जो इतनी खड़ी है वो सिर्फ और सिर्फ युवाओं की वजह से खड़ी है, और ये जो सरकार है ये बस युवाओं को लूटना चाहती है। ये ना युवाओं को रोजगार दे रही है बल्कि रोजगार को और कम कर रही है। दोस्तों आपको पता होगा 2019 में रेलवे NTPC का फॉर्म भरा जाता है, और कितने लड़के फॉर्म भरते हैं? तो 2.5 करोड़ लड़के फॉर्म भरते हैं। अगर आप 2.5 करोड़ लड़के फॉर्म भरते हैं और जहां की 100 रुपए फीस है, कितनी फीस है? 100 रुपए फीस है, मात्र और मात्र 100 रुपए। वहां लिए कितना आता है? 500 रुपए लिया जाता है, और ये कहा जाता है कि जब आप एग्जाम देंगे तो आपको 400 रुपए वापस कर दिए जाएंगे। बट वो 400 रुपए हमें कब मिलेंगे उसका कुछ अता पता नहीं है। जब इलेक्शन नजदीक आता है तो वैकेंसी निकाली जाती है, बट वो वैकेंसी कब क्लियर होगी इसका कुछ पता नहीं। जब इसके पिछले बार जब भी रेलवे की वैकेंसी आई थी NTPC की, तभी हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव था, तब ये हमारी वैकेंसी आती है, और आज तक उसका पेपर कब होगा कुछ अता पता नहीं है, और हमारे 400 रुपए कब मिलेंगे उसका भी कुछ अता पता नहीं है। जब 2.5 करोड़ युवा फॉर्म भरते हैं 500 रुपए दे करके, जब आप 2.5 करोड़ × 500 करते हैं तो टोटल कितना होता है? 12 अरब 50 करोड़। कितने होते हैं? 12 अरब 50 करोड़। मैं अपने केंद्र सरकार और शिक्षा मंत्रालय से अपने साथियों के साथ ये पूछना चाहता हूँ, ये पैसे क्या होते हैं? ये पैसे अगर जब आपने टाइम पे लिए, जब आप फॉर्म भरवाते हैं उसी वक्त आप फीस लेते हैं, तो आप टाइम से हमारा एग्जाम क्यों नहीं करवाते हैं? अब बात करते हैं SSC की। जब कोई बंदा 2016 के फॉर्म भरने के लिए SSC की तैयारी शुरू करता है तो वो तैयारी स्टार्ट कब से करता है? या तो 15 से करेगा या तो 14 से करेगा। तो मतलब मिनिमम एक साल पहले वो अपनी तैयारी शुरू करता है, और 2016 के एग्जामिनेशन के लिए अपीयर होता है। जब Tier 1 दे देता है तो फिर वो रिजल्ट के लिए इंतजार करता है, और जब रिजल्ट नहीं आता है तो उसके लिए भी छात्रों को चिल्लाना पड़ता है कि हमारा रिजल्ट कब आएगा। जब रिजल्ट आ जाता है तो फिर Tier 2 का एग्जाम फंस जाता है कि भैया अब Tier 2 का हमारा एग्जाम कब होगा, कब होगी हमारी एग्जाम, कब हम अपने सपनों को साकार करेंगे, कब हम अपने परिवार वालों को खुश करेंगे। तो उसके लिए भी हमें मुद्दा बनाना पड़ता है ये। फिर Tier 2 का एग्जाम हो जाता है, फिर उसके रिजल्ट के लिए, फिर सेम ऐसे ही होता है Tier 3 में। हमें हर एक बात के लिए कोई ना कोई कैंपिंग करना पड़ता है, कोई ना कोई मुद्दा उठाना पड़ता है। हम अपनी सरकार से ये पूछना चाहते हैं, ऐसे ही UPSC में क्यों नहीं होता है? अगर आप बात करते हैं, अभी आपको पता होगा कि एक मुद्दा चल रहा था हमारे सुप्रीम कोर्ट में कि नीट और JEE, जिसकी एग्जाम NTA कराती है, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो JEE और नीट एग्जाम्स कराती है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका तो फैसला क्लियर कर दिया कि एग्जाम्स अपने टाइम पर ही होंगे, और टाइम चाहे कुछ भी हो, कोरोना हो या कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि जो भी नीट और JEE की एग्जाम होंगे वो बिल्कुल टाइम पे होंगे, उसको इधर उधर नहीं किया जा सकता, चाहे तो आप छात्र कोरोना पॉजिटिव या कुछ भी हो, उससे उनका कुछ लेना देना नहीं है। बात करते हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी की एग्जाम UGC कराती है, UGC ने तो अपने गाइडलाइंस जारी कर दिए भैया कि हमें 30 सितंबर तक एग्जाम लेने हैं किसी भी हाल में, कोरोना हो या कुछ भी हो। सुप्रीम कोर्ट उस पर भी अपना फैसला सुना देती है कि किसी भी छात्रों को प्रमोट नहीं किया जाएगा, छात्र को फाइनल ईयर का एग्जाम देना होगा, तभी उन्हें UGC डिग्री देगी, और उन्हें अगली मतलब जो हायर एजुकेशन करना हो तो कर सकते हैं। मतलब छात्रों को बिना
फाइनल ईयर एग्जाम दिए, ना ही तो डिग्री दी जा सकती है और ना ही उन्हें प्रमोट किया जा सकता है। तो दोस्तों हम अपने इस सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहते हैं, क्या एसएससी और रेलवे के लिए ऐसी कोई भी कानून नहीं बनी कि इसको भी टाइम पे कराया जाए, टाइम पे रिजल्ट दिया जाए, टाइम पे एग्जाम कराया जाए और टाइम से फॉर्म भरा जाए। बट इसके लिए कोई नहीं, इसके लिए छात्र अपने हक के लिए खुद लड़ेंगे, लाठीचार्ज होगा, बैठ जाएंगे, शांत हो जाएंगे। आज की मीडिया में क्या चल रहा है, क्रिया कब घर से निकलती है, कब सीबीआई ऑफिस पहुंचती है और कब खा जाती है। अगर हमारे इस इंडियन न्यूज चैनल का सिर्फ एक ही मुद्दा है टीआरपी पाना, क्या पाना, टीआरपी पाना, तो इस न्यूज चैनल के सफर में हम उसके हम सफर क्यों बने। दोस्तों मैंने तो इंडियन न्यूज चैनल को देखना बंद कर दिया और आप भी न्यूज चैनल को बंद कर दिए, क्योंकि जो आपके हित में ना हो उसको देखने से क्या फायदा। अगर जो आपके हित में ना हो, जो आपके घर जो छात्र हैं, जो आपके घर बाल बच्चे हैं, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो इनको उनके हित में ना हो तो आपको देखने से क्या फायदा। आपको तो पता है हर एक छात्र, हम छात्र के साथ खड़े हैं और हम भी खुद छात्र हैं, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हमें बेरोजगार हैं और हम बेरोजगार होते हुए जब सरकार को इतनी फीस देते हैं, मतलब जो भी एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं उसमें 500 फीस देते हैं, 700 फीस देते हैं, 1000 रुपए फीस देते हैं, तो ये सिर्फ हमारे कहने का अहम मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ नीट जेई और यूजीसी के लिए ही बनी है कि हमारे लिए ही बनी है, रेलवे एसएससी के लिए भी बनी है। जो यूपीएससी है दोस्तों, आपको पता होगा कि यूपीएससी की जब भी एग्जाम होती है तो एग्जाम होने से एक महीने पहले, दो महीने पहले आपको नोटिस कर दिया जाता है कि जो भी एग्जाम होगा वो इस मतलब 15-1 तारीख से लेकर के 15 तारीख के बीच में कभी भी हो सकता है। उसकी जब रिजल्ट आने की होती है तो रिजल्ट इतने समय में रिजल्ट आने की संभावना है और उतने समय में रिजल्ट आ जाता है और इतने समय में आपकी पोस्ट मिल जाती है। तो क्या हमारे एसएससी और रेलवे के लिए ऐसा कोई कानून नहीं है? तो हम अपने ये सरकार को बताना चाहते हैं, ये जो आज युवा खड़े हैं ये अचानक से खड़े नहीं हुए हैं, ये हर एक साल, पिछले साल, फिर उसके पिछले साल, बस सब्र करते करते आज ये जो भी बात है ये सब्र से बाहर हो गया है। आज ये जो छात्र कैंपिंग चला रहे हैं, बायकॉट एसएससी चेयरमैन, बायकॉट गवर्नमेंट, बायकॉट न्यूज मीडिया, ये क्या है दोस्तों, ये हर एक साल सहते सहते और ये छात्रों और छात्राओं से बाहर हो चुका है और अब हम अपने हक के लिए लड़ना चाहते हैं, हमें हमारा हक दो, हमें हमारा रोजगार दो। दोस्तों आपको हमने अभी पहले ही बताया कि कोई भी छात्र जब तैयारी करता है तो कोई जरूरी नहीं है कि उसको पहली बार ही सफलता मिल जाती है, उसे बहुत बार मुंह की खानी पड़ती है, अपने मोहल्ले वाले घर वालों को ताना सुनने पड़ते हैं। दोस्तों अगर आप ऐसे ही करेंगे कि एक एग्जाम भरो, उसके एक साल में पेपर हो, फिर टायर टू 2 साल में हो, फिर टायर थ्री 3 साल में हो, फिर आपको 5वें साल में आपको ज्वाइनिंग हो, तो हमारे जो 60 साल है, 60 साल में हम नौकरी कितने दिन करते हैं? एक तो हमारी 30 साल की उम्र में हमें नौकरी मिलती है, ठीक है, उसमें भी 5 साल आपके पंचवर्षीय योजना में हमारे 5 साल निकल जाते हैं। जो बचे कुछ हैं उसमें हमें अपनी फैमिली भी देखनी है और प्लस हमें नौकरी भी करनी है। तो आप बताओ हम क्या करें, कैसे करें? अगर हमें किसी भी छात्र को, किसी भी स्टूडेंट को अगर पहली अटेम्प्ट में उसको ज्वाइनिंग नहीं मिलती है, जब आपको पहली ज्वाइनिंग करवाने में सिर्फ 5 साल लगते हैं तो दूसरी ज्वाइनिंग कराने में कितने लगेंगे? 10 साल, तीसरी में 15 साल। जब कोई छात्र 15 साल तैयारी करके एक जॉब लेता है और आप 60 साल की उसकी जॉब देते हैं तो अपने लाइफ में क्या कर सकता है वो? आप जैसे यूपीएससी की टाइम टेबल है, हम वही चाहते हैं कि हमारे रेलवे और एसएससी का भी टाइम टेबल हो। आप जो भी फॉर्म की गाइडलाइन जारी करते हैं उसको एक साल में क्लियर करें, फिर अगली साल जो है नई भर्तियां शुरू करें। बट आप हमारी छात्र को तो कोई सुनता नहीं है, ना ही रेलवे की सुनती है और ना ही हमारे एसएससी चेयरमैन सुनते हैं। तो हम उनको बता देना चाहते हैं कि हमारी पूरी इंडिया, हम जितने भी इंडियन स्टूडेंट हैं वो आपके विपक्ष में खड़े हो चुके हैं और अब की बार जब युवा सरकार बना सकता है तो युवा सरकार गिरा भी सकता है। और जो ये हमारे शिक्षा मंत्री जी है ये कह रहे हैं कि फाइनल ईयर वालों को बिना एग्जाम के प्रमोट नहीं किया जा सकता, उनके एग्जाम छोड़ने, तो हम भी कहना चाहते हैं इसी कोरोना काल में हमारे रेलवे एनटीपीसी एग्जाम कराइए। दोस्तों बता दें कि अभी 2017 की एसएससी की वैकेंसी है, उसमें कितने लोगों को अब तक पोस्ट एंड ज्वाइनिंग लेटर तक नहीं मिला है। हम क्या करें, हम बेरोजगार हैं, आप बताओ क्या करें हम लोग। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हम फिर से बता देना चाहते हैं कि अगर
जो कोई भी भक्त है, भक्त को हमारी बातें बुरी लगे तो हमारी वीडियो को डिसलाइक कर सकता है, डिसलाइक करके अपना गुस्सा निकाल सकता है, और तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो भक्त है वो आज के समय में अंधभक्त है, और जो भक्त है वो SSC गवर्नमेंट जॉब वाले भक्त है। तो दोस्तों ये जो आप भगवान की भक्ति करते हैं वो तो ठीक है, बट अगर हम फिर से बता देना चाहेंगे, अगर आप इंसान की भक्ति करते हो तो आपको यही दिन देखना पड़ता है। तो सो प्लीज आप अपने छात्रों के साथ, अपने बच्चों के साथ खड़े होइए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, ताकि SSC और रेलवे के छात्रों को न्याय मिले और उनका एग्जाम टाइम से हो और टाइम से हो। थैंक यू।